हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एलजी टीवी या फिर कोई भी सैमसंग हुआ, ओनिडा हुआ, जिसमें भी अडोप्टर देता हो, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी, सब में जिसमें भी अडोप्टर देता हो, और वो टीवी क्या होता है कि जब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट चलने के बाद खुद से ऑफ हो जाता है, ठीक है, खुद से स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करें। तो जितना भी प्रॉब्लम है वो सारे का सारा ये एडाप्टर से होता है, ठीक है। तो आप टीवी ना खोल के सबसे पहले एडाप्टर में ये कैपेसिटर जो लगा हुआ, इसको मेन कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, लगभग 400 से 450 वोल्ट, 500 वोल्ट का ये होता है, ठीक है। और देखिए 82 माइक्रो फैराड का इसमें है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। उसको निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ पैसे दिख रहा है 82 माइक्रो फैराड और 500 वोल्ट। इसके बदले आपको दूसरा डालना है, ठीक है। देखिए ये भी ठीक है, 400 वोल्ट 100 माइक्रो फैराड और ये 400 वोल्ट, ठीक है, 150 माइक्रो फैराड। तो आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन दोनों लगा ये लगाएंगे आप तो आपको क्या होगा, इसी बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये लगाते हैं, ठीक है, तो इस बॉडी में एडजस्ट नहीं होगा, बॉडी को थोड़ा सा काटना पड़ेगा। अगर आपको सेम मिल जाता है, सेम वैल्यू का अगर अच्छे कंपनी का कैपेसिटर मिल जाता है तो आप लगा दीजिए, बिल्कुल काम करेगा। वरना अगर आपको नहीं मिलता तो ये आप ना ही लगाए तो बेहतर है, ठीक है। आप ये लगा लीजिए, थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको एडजस्ट करने के लिए मैं, आप देखिए मैंने बॉडी को यहाँ काट रखा है, ठीक है। जो थोड़ा सा बाहर आएगा वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, तो हल्का सा बाहर निकले, बहुत ज्यादा बाहर नहीं हो, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह के जरूरी वीडियोज सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्लीन कर लीजिए, ठीक है। डिसोल्डर वायर की मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। हो गया, पूरे अच्छे से, ताकि कैपेसिटर का लेग आपको डालने में थोड़ा भी रुकावट ना हो, ठीक है। और आपको ये कैपेसिटर का लेग, अगर बड़ा लेग है, इसमें भी बड़ा लेग है, लेकिन इसमें क्या था, छोटा लेग था, तो मैं इसको बड़ा करने के लिए कोई अच्छा सा वायर इसको कनेक्ट कर लीजिए। पीवीसी मत हटाइए, पीवीसी इतना दूर रहने दीजिए, ठीक है, ताकि शॉर्ट करने का चांसेस ना रहे, ठीक है। अब लगाने के लिए आपको एक बात पर गौर करना होता है, प्लस और माइनस जो टर्मिनल है, देखिए अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस और प्लस, इसका मतलब अब यहां मिलाइए, ये पुराना था, नया वाला देखिए माइनस, यानी इस तरह ये लगेगा माइनस, जब इधर आएगा ये माइनस डिनोट करता है, ये वाला लेग माइनस है और ये प्लस, बस आपको ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। अच्छे से लगा दीजिए, उसका फिर से सोल्डिंग कर दीजिए। ट्रैक पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, थोड़ा भी ट्रैक अगर टूटा हुआ आपको लगे तो उसको अलग से आपको बाद में ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आपका एडाप्टर पहले भी 19 वोल्ट देता होगा, जिसका वर्किंग टीवी का वर्किंग वोल्टेज जो है 19 वोल्ट शुरू में मिलता है, 19 वोल्ट मिलेगा एडाप्टर से तो वो काम करेगा, और वो मिलता है इसमें भी, लेकिन चलते चलते बंद हो जाता है, ताकि ये पूरा वोल्ट अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता, अच्छे से वोल्टेज स्टोर नहीं कर पाता। अगर आप ये कैपेसिटर लगा देते हैं, ये आपको जनरली टीवी की किट में मिल जाएगा, ये लगाने से आपको फायदा होगा। अगर आपका घर का सप्लाई थोड़ा देर कटता भी 1-2 सेकंड के लिए ब्लिंक भी करता है तो टीवी आपका ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, अब आपको इसको कैसे असेंबल करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बाहर जाएगा, इसीलिए आप अपने हिसाब से काट लीजिए, जितना आपको लगे कि आपका कैपेसिटर जो आप लगा रहे हैं कितना बड़ा है। जैसे देखिए मैं ये लगा दिया तो मात्र ये तो बैठ जा रहा है, थोड़ा सा इधर बाहर आ रहा था, यहाँ पे आपको अच्छे से फील हो जाएगा, और इसी के वजह से इसको काटना पड़ा, ठीक है। देखिए पूरा अच्छा से हो जा रहा है। तो इसको लगाने से पहले आप एक और काम करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये मेटल है, मेटालिक सरफेस है, और यहाँ पे आपका टर्मिनल आ रहा है,
बीच में पीवीसी थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, हार्ड पेपर जो भी होता है, ऐसे ये देखिए इंसुलेटर पेपर है, ठीक है, आप थोड़ा सा जरूर लगा दें इसको, ठीक है। इसको आप जरूर लगाएं, ठीक है, इससे क्या होगा, मेटालिक जो सरफेस है उसमें आपका कैपेसिटर का लेग शॉर्ट होने का चांसेस नहीं रहेगा। और देखिए हो गया, अब आप इसको अच्छे से चिपका सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आप इसको चिपका सकते हैं किसी भी ग्लू की सहायता से, और यहाँ पे आप जरूर टेपिंग कर दें, इससे क्या होगा कि आपको करंट लगने का कोई खतरा नहीं होगा। बाहर तो ऑलरेडी प्लास्टिक है, यहाँ करंट लगने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संभव है तो आप किसी भी अच्छे इंसुलेटर टेप से आप इसको टेपिंग कर दें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई भी कमी रह गई हो तो बताइए, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।